जल ही जीवन है और जल के बिना जीवन बहुत ही मुश्किल है। हमारा तो जीवन किसी तरह कट जाएगा, लेकिन हमारे जो बच्चे होंगे, हमारा जो फ्यूचर होगा, उनको सोचकर, उनके बारे में सोचकर आप जल को संचय कीजिए और जल के बारे में सबसे पहले सोचिए। आप कई डॉक्टर्स को देखे होंगे, कई समाज सेवियों को देखे होंगे, जो आप कहते तो है समाज की भलाई करेंगे, लेकिन घरों में अपने फिल्टर और एसी के पानी में रहते हैं और समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं। लेकिन आज हमारे बीच एक ऐसे डॉक्टर है, जी हाँ, आज हमारे बीच आज एक ऐसे डॉक्टर है जो सिर्फ लोगों को नसीहत ही नहीं देते, बल्कि खुद समाज के उतर करके आज देखिए यहाँ कतरी नदी की सफाई करवा रहे। खुद यहाँ पर उपस्थित है हमारे बीच प्रसिद्ध डॉक्टर उमा शंकर सिंह जी। चलिए उनसे जानते हैं कि आखिर वे यहाँ पर क्यों इस कार्य को करवा रहे हैं और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं इसको लेकर। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जल ही जीवन है, इसके बारे में तो सभी जानते हैं, और बिना जल का कोई 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 चीज़ पूरा नहीं होता। ये एक हम लोगों का बहुत बड़ा स्रोत है कतरी नदी, जो हम लोगों का जीवन रहता है। उसे इतना ज़्यादा उसमें पॉल्यूशन हो गया है, इतना ज़्यादा भराव हो गया है कि वो नदी विलुप्त धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। और मैं चाहूँगा कि हम कुछ एक छोटा सा बहुत छोटा मोटा हम लोग इनिशिएशन ले रहे हैं कि और लोग जागृत हों। हम लोग कतरी नदी का सफाई अभियान चालू किए हैं। बाकी हमारे बीच एक और डॉक्टर जी है, डॉक्टर मधुमाला मैडम, ये भी बढ़ चढ़कर कतरी नदी के सफाई में कतरी नदी बचाओ अभियान समिति का साथ दे रही है। तो चलिए उनसे भी दो बात जानते हैं कि वो क्या का संदेश देना चाहती है। जैसा कि अभी हमारे अभिभावक ने कहा कि जल ही जीवन है, बिल्कुल सही बात है, जल ही जीवन है और जल के बिना जीवन बहुत ही मुश्किल है। तो वो जल का संचय कहाँ से हो? या तो ऊपर वाले का आशीर्वाद रहेगा तो हमारा जल संचय होता रहेगा और हमारी नदियों में पानी बहता रहेगा। लेकिन आप आज देखिए हमारे कतरी का अस्तित्व, और उसी अस्तित्व को बचाने के लिए हम लोगों ने एक पहल किया है। और मैं समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों से और सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जल को बचाइए। आने वाले समय में हमारे बच्चे, हमारा तो जीवन किसी तरह कट जाएगा, लेकिन हमारे जो बच्चे होंगे, हमारा जो फ्यूचर होगा, उनको सोचकर, उनके बारे में सोचकर आप जल को संचय कीजिए और जल के बारे में सबसे पहले सोचिए। क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जल के बारे में एक मीटिंग रखा था, और मतलब जितने भी मिनिस्टर हैं उन लोगों से एक डिस्कशन किया था कि किस तरह से हमारे जल का संचय किया जा सकता है और आने वाले समय में हमें पानी की कमी महसूस ना हो। क्योंकि जिस तरह का आप देख रहे हैं कि प्रदूषण फैला हुआ है, गाद जमा हुआ है, ये हमारे जल को दूषित कर रहा है। और इस वजह से हम लोग सारे कतरास की जनता और हमारे कतरी नदी बचाओ समिति के सारे पदाधिकारीगण इसमें लगे हुए हैं। इसलिए जल बचाइए, अपना कल बचाइए। धन्यवाद।